आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, एकादशी का व्रत 16 फरवरी 2023 को रखा जाएगा। श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत विशेष फलदायी होता है और विजया एकादशी व्रत का महत्व रामायण काल में खास रहा है। ये मान्यता है कि ये व्रत शत्रु के हर द्वार को काट देता है। देवी सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध करने के लिए भगवान राम ने भी युद्ध पे जाने से पहले इस व्रत को किया था। परिणाम स्वरूप उन्हें जीत प्राप्त हुई। कहते हैं कि विजया एकादशी पर राशि अनुसार उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होती है। आइए जानते हैं, बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोग विजया एकादशी के दिन श्री हरि के अवतार भगवान श्री राम की उपासना करें, उन्हें खजूर चढ़ाएं और 108 बार ओम सिया पतिये राम रमाया नमः मंत्र का जाप करें। मान्यता है इससे दुश्मनों पर जीत प्राप्त करने का वरदान मिलता है। वृषभ राशि के जातक लोग विजया एकादशी पर वृषभ राशि वाले एक मुट्ठी कच्चे चावलों को कुमकुम में रंग लें और इन्हें लाल सूती कपड़े में बांधकर विष्णु मंदिर या किसी पंडित को दान कर दें। कहते हैं कि ये उपाय कोर्ट कचहरी के मामले में सारी स्थितियां आपके पक्ष में कर देता है। सिंह राशि के जो जातक हैं वो बिजनेस या नौकरी में किसी तरह की रुकावट आ गई है, तरक्की नहीं हो पा रही है, तो विजया एकादशी पर लक्ष्मी नारायण को दक्षिणावर्ती शंख में दूध और केसर डालकर स्नान कराएं और ओम श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमः मंत्र का एक माला जाप करें। कहते हैं इससे शत्रु परेशान नहीं करते हैं और सफलता मिलती है। आइए आप जानते हैं कन्या राशि के जातकों को कौन सा उपाय करना चाहिए। कन्या राशि वाले विजया एकादशी पर शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक लगाएं और मात इष्ट लसी गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायणस पूजार्थ चिनोमि त्वाम नमस्तुते मंत्र का जाप करें। कहते हैं तुलसी के पास बैठकर मंत्र जाप करने से लक्ष्मी माता की प्राप्ति होती है। आप बात करेंगे तुला राशि के जातक के बारे में। तुला राशि के जातक को इस दिन विष्णु जी की पीली सामग्री का भोग लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत का पाठ करना शुभ फलदायी होगा। इससे सुख समृद्धि का वास होगा। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनको विजया एकादशी पर वैजयंती माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 5 माला जाप करें। कहते हैं कष्ट और रोग से छुटकारा पाने के लिए ये उपाय बहुत लाभकारी है। और अब बात करते हैं धनु राशि की। विजया एकादशी पर धनु राशि वाले पीली वस्तु जैसे केला, हल्दी, अरहर की दाल का, बेसन की मिठाई का दान करें। ये उपाय जीवन में तनाव से मुक्ति दिलाएगा। और अब जानते हैं मकर राशि के बारे में। अगर लंबे समय से कोई काम अटका है, पूरा होने में देरी हो रही है, तो मकर राशि वालों को विजया एकादशी पर विष्णु जी के 24 अवतारों का
स्मरण कर अपने कार्यस्थल पर हल्दी माला लटकाए और पीले रंग का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। जानते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में, यदि विवाह में विलंब हो रहा है तो कुंभ राशि वाले विजया एकादशी पर गंगा जल में हल्दी मिलाकर केले के पेड़ को सींचे। कहते हैं इससे गुरु की स्थिति मजबूत होती है और शीघ्र शादी के योग बनते हैं। और अब अंत में जानते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि वालों को विजया एकादशी के दिन पानी में हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और आय में वृद्धि के योग बनेंगे। दोस्तों आपसे विदा लेते हैं इस पोस्ट से, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।